मल के इतिहास के बारे में बताया, इतनी अच्छी अच्छी बातें देखो उन कवियों ने लिखी। लेकिन आजकल धर्मवीर जी जमाना कुछ अलग हो गया। मैं काल परसु जिमन खातर हमारे गांव में चला गया, दस उठन था। ये आजकल डीजे में गाना चल रहा है, बढ़ जाना आर दस उठन था, डीजे बाजन लाग रहा। डीजे के ऊपर एक 90 साल की बुढ़लती नाच है और गाना लाग रहा, छन छन बाजे बाजे मेरी तागड़ी। मैं खड़ा खड़ा देखूं, ए ताई तेरी हाट बाजन की टाइम रह रही है, तागड़ी बाजन की टाइम रह रही है। लेकिन गाना बजाना बदल गया, भली बात आजकल कम सुने हैं, चटपटी बात ज्यादा सुने हैं। या जी देखो, हर चीज का समय होता है, समय की नजाकत बताई। एक बार हरियाणा कमाए ने धर्मवीर जी वा प्रौढ़ शिक्षा चाली, बूढ़ा बूढ़ा आदमी ने बोलो पढ़ायो जा, सरकारी मास्टर की ड्यूटी लागी, बूढ़ा बूढ़ा आदमी ने बेड़ा करें और स्कूल के मेहनत दिल जाके और उन्हें बेड़ा करके पढ़ाउन लाग रहा। कोई अधिकारी आ गया स्कूल में चेक करने खातर, बोलो मास्टर जी अन बूढ़ा आदमी ने क्यों बेड़ा कर रखे। बोलो जी बेड़ा के कर रखे, प्रौढ़ शिक्षा चाल रही है ने पढ़ावा। बोले के पढ़ाओ जी ने, बोले जी ने हिंदी पढ़ावा, कैखे घड़े सिखावा। बोलो हिंदी बंद करो, अगर जमानो अंग्रेजी को आवन लाग रहे और अन्य एबीसीडी चालू करो। इवरोज ने एबीसीडी पढ़ानी चालू कर दी और बोलो ताने 7 दिन को टाइम दू, 7 दिन का भीतर भीतर सारी एबीसीडी आनी चाहिए। डांट मार के चलिया गया मास्टर जी रोजना, बूढ़ा आदमी ने एबीसीडी सिखावे। लेकिन बड़ जाना यो बुढ़ापो बड़ो खोटो है, जब बुढ़ापो आ रहे हूं तो वेरो है, बुढ़ापे कमाए ना हूं, काना हूं सुनो रह जाता हूं, आंखें हूं दिखनो रह जा, एक यू दिमाग भी मड़ो कम काम कर मार लगा। मैं एक बूढ़ियो खाट गाल्या बैठो रे, आणिया जाणिया नहीं कहूंगा चौधरी राम राम से कहो कोनी भी आई तुरती बोगे ब्याहन की थोड़ी पूछ है बापड़ो, लेकिन सुने को बुढ़ापा को दोष। उन बुढ़ा ने भी सीढ़ी सिखाओ, लेकिन एक ही पल्ला को नहीं पड़े। 6 दिन होगा मास्टर मन में देखे, ले भाई अन्य भी सीढ़ी आई को नहीं, वो अधिकारी आओगो अपना के ऊपर रोब जमाओगो। हमारे धर्मवीर जी की नहीं कोई समझदार मास्टर उम्र खेड़ा था, उन्हें एक देसी फार्मूलो बनायो पढ़ाउन को, और देसी फार्मूलो भी किसो की बोर्ड के ऊपर ए मांडे और न्यू पढ़ाओ। बोलो ए मानी अमर सिंह की बू, जना बूढ़ा गैल गैल बोले। बी बी मानी बाबूलाल ये की बू, सी मानी चंद्रिय की बू, डी मानी दयाचंद ये की बू, न्यू करता करता एम तक पढ़ा दियो, यानी मंदिरिय की बू तानी पढ़ा दियो। मास्टर मन में देखी रे कि सारी थोड़ी बुझे को छुट्टी करे ना इनकी बूढ़ा की छुट्टी कर दी। 7 वो दिन सारा ने बेड़ा करया, अधिकारी आ गया, बोलो मास्टर जी ने बूढ़ा ने पढ़ा दिया क्या। बोलो जी सारी की सारी ये बिछड़ी आवाने। बोले एक ताऊ ने खड़िया कर दिया, बोलो ताऊ बोर्ड के ऊपर ए मांड दिया, शाबाश बताओ ये क्या है। ये ताऊ ने तो बापड़ा ने पढ़ाएड़ो गए, बताओ। बोलो जी अमोर सिंह की बू है। अधिकारी मोड़ो विने विने देखे बीरबानी लो दो भाई को नहीं, बोलता ऊ बैठ जा तने कौन बेरा। दूसरा बुढ़ ने खड़िया कर दिया, बी मांड दिया, ताऊ ये बताओ क्या है। बोलो जी आप बाबू लालिए की बू है, कोई चंद्रिय की बताओ, कोई दयाचंदी की बताओ। अधिकारी देखे बूढ़ा को दिमाग खराब हो रहे हो गर्मी में, एक और बुझांगा पछाण की छुट्टी करांगा। गलने गलने एक ताऊ बैठिया ने बस हल्का चश्मा लगा रखी और बोला ताऊ तू खड़ा हो जा, यो अंतिम सवाल है। वो ताऊ बापड़ा कई देर में हालता हालता खड़ा है, बूढ़ा आदमी उन अधिकारी ताऊ के करो डब्लू मार दी, डब्लू टाइम बापड़ा ने पढ़ाएडो को नहीं, पढ़ाएडो सिर्फ एम तानी। और फर्क पड़ जानो इतनो हो कि एम का टांग नीचे और डब्लू का ऊपर न सुसुरेगा। ये वो अधिकारी खड़े खड़े देखा बूढ़ा कानी, बूढ़ो बोर्ड कानी देखा, मेरे सूरी देखेड़ी जरूर पड़ी हैंड वेंड कहीं हो रही है। कई देर होगा अधिकारी डांट मार के बोला ताऊ जी बताओ ये क्या है। बूढ़ा आदमी की में घबरा गया, बोलो अधिकारी जी गणो तो कोनी बेरो, या है तो मंदिरिय की भूप ये टांग उपूर्ण उपूर्ण करके न कोनी बेरो ना बात का मारला गाना बजाना का तो ताऊ टांग उपूर्ण हो रहे हैं आजकल। ये लक्ष्मी चंद की बातें कौन सुनता, बहुत कम लोग सुनते हैं। बताते हैं जब ये इंसान माँ के गर्भ के अंदर रहता है, पेट के अंदर रहता है, उस भगवान से हाथ जोड़ के कौल वचन करके आता है कि हे परमात्मा। बेगराज पंडित जी 30 रुपया 20 रुपया की उधार, 1 रुपये की, चलो 1 रुपये की उधार है जी, खुलो करा लिया 1 रुपये पाते दिए, कोई बात को नहीं। इंसान जब अपनी माँ की गर्भ के अंदर था, उस भगवान से कौल वचन करके आता है कि परमात्मा इस भौर कुंड से मुझे बाहर निकाल, बाहर आने के बाद मैं तेरा नाम लूंगा, तेरा नाम जपूंगा। लेकिन तब ये काला शिराड़ो बाण आतोनी बोतलडी के चक्कर में लाग जाए, क्या खातर भगवान ने याद कराया। एक ही दारू खोरिया इंसान रोजीना दारू पी के, और बालाजी महाराज का नाम एक बार तो जरूर ले। एक दिन बालाजी महाराज साक्षात प्रकट हो गया, बोलो वे तू रोजीना दारू जरूर पियो, लेकिन मेरा नाम तू एक बार सोना हूं पहले ले, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, बोल कोई वरदान मांग।
इब दारू खोरी आदमी ताऊ के चाहे बोले हे बालाजी महाराज मन तो एक बोतलड़ी का रुपया दे दो तुम मुझ हो जा। बालाजी बोला रे साक्षात बालाजी खड़ा को बत्ती माया मांग बावड़ा सोचना पड़ा। बोले एक काम करो दो बोतला का रुपया दे दो। अरे बोला सोचना और बड़ा। बोले एक काम करो 20,000 रुपया दे दो ठेकाना की गलड़ी उधार भी थे भाभी पाट जाएगी। बालाजी सोचा 20,000 दे दें पीपी की मर जाएगा। बोलो 20 तो मैं भी कोनी दूं बीच का सौदा कर। बीच का कौन सा? बोलो रुपया ले 5,000। इमड़ो दारू पीणी आज बोलो 5 तो बालाजी को लू लू तो ये पूरा 20,000 लू। बालाजी कह रहा 5 ले ले। बोलो मैं तो पूरा 20,000 लू। बोलो 5 ले ले मैं तो पूरा 20,000 लू। चमड़ा का सपने में यो हाथ पग के ऊपर लिया था पग के ऊपर लाते मटे की आंख खुल गई। चौकर ते देखे और तो बालाजी भी गुनर 20,000 भी गुरिया। इमड़ो धक्का आंख में चर कूदड़िया हाथ दे कम 5 ही दे दो। अरे बावड़ा वो सपने की माया थी सपने के अंदर चली गई। तो बताऊ ये जिंदगी भी एक सपने की तरह होती आती और चली जाती है। हकीकत तो ये है इंसान की आंखें खुली तब तक ये पूरा संसार आंख बंद होने के बाद में कुछ नहीं इस धरती के ऊपर। द्रमीर जी बढ़ जानो कहे बिना मेरू भी कौन डटो जा। ये काला सिरा आदमी होना चाहे कितनों ज्ञान दे दो। ये ज्ञान की बातें चल रही है सिर्फ 2 मिनट की। पच्छा जी कौन ज्ञान सुने? जब तक करोल बाग खेलने जना मालूम वो ज्ञान अधूरो ही रहने मानो दे। लेकिन ये 2 मिनट का समय परमात्मा में गुणगान करने का वक्त है कि उधर मिर्जाड़े सी टीवी बाजी को नहीं पहली पपीरी। तो कहने का मतलब हमारा भी समय एक हरियाणा कहने की बूढ़ती राजस्थान में ब्यारा की ताऊ ये बूढ़ती करो बूढ़ी को घणो है पहला बूढ़िया है जरा क्या भी करता है इसी बात को नहीं। वो बूढ़िया 90 साल का हो रहा टीबी का मरीज वह बूढ़ती बैठी बैठी पग बीचे और वह बूढ़िया मुंह पड़ पड़ के सांस ले भगवान का बुलाओ आया बूढ़िया टैंटप हो गया। वो बूढ़ती रो रो के ताई गांव न कठो कर लियो और गांव की अड़ोसन पड़ोसन सारी कठी होगी ये तो पा कहीं रो है। हे बोले रांडो रो क्यों मेरा एक ही बूढ़ी हो वो भी जा तो रे बूढ़ा हो गया गया सब की मैं छोड़ के गया नहीं मत करे। वो बूढ़ती रो वही रो डटे नहीं एक मना बीत गया रो वही रो आंख टमाटर पर की रखे लाल छोटनी बेटे की भूखी में समझदार बीरबानी ओ मारो ऐसे मत करो आप तो को तो टूक माना खाने दो ना कोते खुद खाओ ना। बोले बेटी मैं 70 साल बूढ़ी सागर रही हूँ एक मिनट में कहीं भूल जाऊ। एक काम करिया करो सात पलक अपनी पहचान खोल कर उजाड़ मर ना लिया करो बाहर न घूमोगा जो ना भूल जाओगा धीरे धीरे। वह बुढ़ती भूखी बात मान के पहचान खोल के उजाड़ में चाल पड़ी और बताऊ भैंस भी बढ़ जानी चरती चरती बूटी वाला मुसाणा में आके चरण लगे। और वह बुढ़ती भी गल गल पहुंच गई और जू वो मुसाण दिखा बूटी वाला और ताऊ ऊपर जा पड़ी मुसाण सारी राख खिंडा मारी जोर जोर हूं रोए मालिक का करना है। बूढ़ियों की कोई खोपड़ी बजरी वा बूढ़ती का हाथ मांगी ले बिताऊ भाई नाई वा खोपड़ी हाथ मार बूढ़ती करे कोई लाड बैठी बैठी कदे छाती का लगा और कदे ओठा का लगा और कदे माथे का रो मेरा बड़कू ला कठे को यो रो लाड करे। इमड़ा जेठ का महीना पांच चार एक टाटिया बढ़ रहा खोपड़ी में ताऊ बूढ़ती को ओठा करने करने मेरे सुरो एक टाटियो बढ़ गई ओठा तो वह बुढ़ती लाड करे थी और वह जूत तथैया लड़ियार बुढ़ती का तीनू फैसा बिजली बरोबर आएगी और पूछ के पसीना ताऊ बगा के मारी रमर सीत्यानाशी मरण मर गया यो चूटा बटके काम ये भी कोनी छोटा इंसान बूढ़ा हो जाए लेकिन बड़ा कर्म कदे नहीं छोटेगा ये हकीकत ही बात है श्रोताओ। लेकिन बताते हैं कि जहाँ पर जति शति नहीं नहीं नाम राम का और जहाँ हरी भजन सत्संग नहीं वो नगर किस काम का।